तो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये कौन सा मानवा आ गया। तो यार मेरे को एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था ये वाला मानवा। अब ये वाला मानवा ना बहुत ज़्यादा नया है, मतलब अभी 2-3 हफ्ते पहले ही लॉन्च हुआ था। फिलहाल हम देखते हैं, एक लड़की होती है, वो कह रही होती है कि बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, आखिर ये लड़का कौन है। अब वो उसे देखती है, कह रही होती है, अरे ये तो वही है, आखिर क्यों। अब हम देखते हैं, एक पर्सन हमें दिखाई दे रहा था जो कि ना वो अपने कपड़े वगैरह पहन रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं, वो उसे देख रही होती है, कह रही होती है, आखिर मैं ही क्यों, बोलो मैं ही क्यों। अब वो उससे पूछ रही होती है, लेकिन हम देखते हैं भाई ये पर्सन उसे मतलब तरस बिल्कुल भी नहीं खा रहा होता। वो लड़की ना उससे पूछ रही होती है, कह रही होती है, आखिर मैं ही क्यों। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की बहुत ज़्यादा रो भी रही होती है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन बता रहा होता है, कह रहा था क्योंकि तुम एक अकेली लड़की हो, बस तुम ही एक अकेली लड़की हो। अब वो ये बात बोल रहा होता है और हम देखते हैं भाई उसके साथ जोर मतलब जोर जबरदस्ती जो भी है मतलब वो करे जा रहा होता है। फिलहाल इस पर्सन ने ना मतलब सुहाग प्लस रात को मतलब इसने क्या ही बोलूँ मैं, काली प्लस रात बना दी होती है। अब हम देखते हैं मॉर्निंग वगैरह हो चुकी होती है और हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है ना, अब मुझे नहीं पता वो पर्सन है कौन। फिलहाल वो कह रहा होता है कि क्या तुम अब दोबारा बच के भागने की कोशिश करोगी। अब वो इस लड़की से पूछ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वो लड़की ना मना कर रही होती, कह रही होती कि नहीं कभी नहीं। अब हम देखते हैं वो लड़की मना कर रही होती, कह रही होती कि नहीं मैं कभी नहीं जाऊँगी। लेकिन हम देखते हैं भाई इस लड़के ने ना उसको मतलब टाइटली पकड़ रखा होता है और लेटा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो उसके बालों के साथ खेल भी रहा होता है और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो अपने कपड़े पहनता है और कपड़े पहन के जाने लगता है। अब ये पर्सन है कौन, कहाँ से आया, मुझे कोई नहीं कोई आइडिया नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन जा रहा होता है अपने कपड़े वगैरह पहन पहन के। तभी हमें दिखाई देता है वो लड़की ना मतलब जैसे तैसे करके उठती है और अब हमें उसके हाथ में दिखाई दे रहा होता है, मतलब उसके हाथ में कांटे वगैरह भी लगे पड़े हैं यार। अब हमें दिखाई देता है कि वो लड़की ना बहुत ज़्यादा सैड और बहुत ज़्यादा सुस्त वगैरह दिखाई दे रही होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सैड। फिलहाल वो जैसे तैसे करके नीचे उतरती है और ना मतलब अपने आप को देख रही होती है आईने के अंदर। अब भाई इस लड़की को देख के ना मतलब मैं क्या ही बोलूँ, ये लड़की इतनी मतलब इतनी कुखार दिखाई दे रही होती है कि डायन भी फेल है इसके सामने। फिलहाल वो अपने चेहरे को देख रही होती है और कह रही होती है कि अरे क्या मेरा दोबारा से जन्म हुआ है क्या। अब हमें दिखाई देता है कि इस लड़की का ना दोबारा से जन्म हुआ होता है। अब ये बता रही होती है, कह रही होती है कि देखो नहीं सेट, मैं तो वापस से 7 साल पहले पहुँच चुकी हूँ जहाँ से मैंने शुरुआत करी थी। नहीं सियान मेरे ऊपर गुस्सा हो गया था क्योंकि मैं भागने की कोशिश कर रही थी, शिट क्या करूं मैं। अब हम देखते हैं वो ये अपनी सारी बातें बता रही होती, कह रही होती कि इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी, मैं वापस से उसी लाइफ में पहुंच गई जहां पे मैंने पहले स्टार्ट किया था, शिट क्या उस वजह से ना अपने प्यार को खोया, अपने रिलेटिव खोए और अपनी पूरी जो ज़िंदगी है वो बर्बाद कर दी, क्या करूँ मैं। तभी हमें दिखाई देता है कि जो शीशा होता है ना वो टूट चुका होता है। अब वो लड़की ना शीशे में मतलब अपनी शक्ल को देख रही होती है और शीशा टूट वगैरह चुका होता है। तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि इसका मतलब है कि मेरे को अपनी लाइफ में फिर से वो सारी बात वो सारी चीज़ें सहनी पड़ेंगी जो मैंने ऑलरेडी सह रखी है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम देखते हैं वो अपने आप को गुस्से से देखती है, कह रही होती है कि नहीं मैं ऐसा एक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी, मैं फिर से उन लोगों को अपने आप को मैनिपुलेट करने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। गॉड ने मेरे को दूसरा चांस दिया है, इस बार मैं इस चांस से फ़ायदा उठाऊंगी और ये सब बिल्कुल भी होने नहीं दूंगी। अब वो ये सारी बातें सोच रही होती है और कह रही होती है कि मैं अपनी डेस्टिनी ना चेंज करके दिखाऊंगी। तभी हम देखते हैं पीछे वो मुड़ के लिए क्योंकि उसने पीछे कोई बुला रहा होता है। अब पीछे से आवाज़ आ रही होती है वैन वैन। अब हम देखते हैं उसकी ना एक फ्रेंड आ चुकी होती है, अब ये इसकी बेस्टी होती है। फिलहाल हम देखते हैं उसकी बेस्टी आ चुकी होती है उसके पास, वो कह रही होती है कि अरे आखिर तुम्हारे साथ ये ऐसा कैसे हुआ, बताओ कैसे हुआ तुम्हारे साथ ये। अब वो उसके पास आ चुकी होती है, उसने उसका हाथ पकड़ लिया होता है, उससे पूछ रही होती है कि आखिर मिस्टर सी ने तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर दिया। अब वो जो लड़का था ना उसका नाम सी होता है। फिलहाल हम देखते हैं ये लड़की ना जो वैन वैन होती है वो बता रही होती है इसके बारे में, इसका नाम सैन है और ये मेरी बेस्टी है, मतलब पहले जन्म में ना ये इसकी बहुत खास दोस्त हुआ करती थी, इसके लिए मतलब इसके लिए नहीं अपने लिए नहीं उसके लिए। फिलहाल हम देखते हैं वो उसका हाथ हटाती है, कह रही होती है कि डोंट वरी मैं ठीक हूँ ओके। अब हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना इसकी बेस्टी, वो कह रही होती है कि देखो जरा तुम अपने आप को तुम कैसे ठीक हो। लेकिन हम देखते हैं पीठ पीछे ना वो यही बात सोच रही होती है, कह रही होती है कि अच्छा मज़ा आया तेरे साथ जो भी हुई हुआ, मतलब भाई इसके अंदर अलग ही मतलब षड्यंत्र वगैरह चल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं जो लड़की होती है ना बैंग में, वो कह रही होती है देखो मैं ठीक हूँ। अब हम देखते हैं वो अपने बारे में सोच रही होती है, कह रही होती है कि ये वही लड़की है जिसने मेरे को सजेस्ट किया था कि मैं बहुत ज़्यादा अगली हूँ और मेरे को सी के पास भेजना है। अब वो ये सोच रही होती है अपने मन में। तभी हम देखते हैं उसकी जो फ्रेंड होती है ना वो कह रही होती है कि वैन वैन देखो तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी ओके। अब ये लड़की वैन वैन सोच रही होती है कि एग्जैक्ट वही सेम हो रहा है जो मेरे साथ पहले पिछले मतलब पहले हो चुका है 7 साल पहले, कि ये मेरी हेल्प वगैरह करेगी उसके बाद फिर मेरे साथ ये सारा इंसिडेंट हो जाएगा। अब हम देखते हैं वो कहने लगती है कि वैसे जो मेरी करंट एबिलिटी है ना उस हिसाब से मैं सी से पंगा वगैरह नहीं ले सकती थी, तो भाई वो मेरे को नंगा कर देगा। फिलहाल हम देखते हैं वो यही बातें सोच रही होती है और कह रही होती है कि मैं सी से पंगा नहीं लूँगी, अच्छा होगा कि मैं जो सी फैमिली है ना उनके साथ में रहूँ, मतलब उन्हें धोखा ना दूँ। तभी हम देखते हैं उसकी जो फ्रेंड होती है ना वो कह रही होती है कि वैन वैन देखो तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता बाहर निकाल दूंगी ठीक है, तुम्हें बाहर निकालने के लिए ओके। अब वो ये बात बोल के जाने लगती है। फिलहाल हम देखते हैं ये लड़की वैन वैन अपने बारे में सोच रही होती है, कह रही थी कि सैन हमेशा मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, वो मुझे फंसा आ रही है ताकि मैं जैसी बाहर निकलूँ वो मुझे फंसा दे। तभी हम देखते हैं 3 दिन के बाद का सीन दिखाई दे रहा था जहाँ पर हम देखते हैं लड़की नीचे उतर रही होती है और हमें दिखाई देता है कि नीचे ना 3-4 जो वेटर होते हैं वो मतलब साफ सफाई वगैरह कर रहे होते हैं।
फिलहाल वो जैसे तैसे करके बाहर आ जाती है। वो कह रही होती है कि सीन है ना, मतलब अभी जो गार्डन है उसे डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारे लोगों को बुलाया है, अब वो 5 साल के लिए ये सारे काम करवाने वाला है। फिलहाल वो यही बातें सोच रही होती है, बाहर आती है, वो गार्डन को देख रही होती है जहाँ पर ना अभी प्रोजेक्ट का काम होने वाला है, मतलब नेक्स्ट डे होगा। तभी हम देखते पीछे से आवाज आ रही थी वैन वैन, अब वो पीछे मुड़ के देखती है, फिलहाल हमें एक बर्सन दिखाई दे रहा होता है, इसका नाम गु होता है जो कि इसका ना लवर होता है। अब वो उसे देख रही होती है, फिलहाल हम देखते हैं वो देखता है कह रहा होता है कि वैन वैन आखिर तुमने गिव अप कैसे कर दिया अपने आप से, बताओ तुम ऐसे कैसे हार मान सकती हो। अब इसका जो लवर होता है ये चिल्ला रहा होता है, इसका नाम गु होता है, क्योंकि अब वो बोले जा रहा होता है कह रहा होता है कि आखिर तुमने अपने आप को ऐसे कैसे कर दिया, बताओ तुम चाहती हो कि वो तुम्हें कुचल दे, ऐसे कैसे बताओ। फिलहाल हम देखते हैं ये लड़की सोच रही होती है कि जो पहला सा मतलब पिछला जन्म था ना मेरा, उस टाइम पे मैंने इससे प्यार किया और इसका साथ दिया, और बाद में इसने क्या किया, इसने मेरी जो वर्जिनिटी है उसे तोड़वा दिया और मतलब मेरे साथ पता नहीं क्या क्या किया। अब वो ये सारी बातें इंसिडेंट याद करने लगती, कह रही होती है कि एट दी एंड ये बंदा बहुत खतरनाक है, इसके बहुत मतलब इसके मुंह पे ना बहुत सारे मास्क वगैरह लगा रखे हैं, इसने मतलब झूठ का मास्क लगा रखा है और कुछ भी नहीं, सिंपली मैं इस बात से बोलूँ तो। तभी हम देखते हैं वो कुछ नोटिस करती है क्योंकि उसे ना ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है। वो कह रही थी, कह रही मुझे ठंडी ठंडी हवा क्यों आ रही है, इसका मतलब सी यान मेरे ठीक पीछे है क्या। अब वो ये बात गैस कर लेती है। फिलहाल हमें दिखाई देता है कि इसका जो बॉस होता है ना वो इसके ठीक पीछे ही होता है, मतलब जो इसका हस्बैंड है। अब वो लड़की बहुत ज़्यादा जोर हो जाती है, उसके मुंह पे पसीना वगैरह आ रहे होते हैं क्योंकि भाई ये लड़की ना इस टाइम पे अपने लवर से मिल रही है और हस्बैंड मतलब ये वाइफ किसी और की है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि वैसे मुझे ये बहुत ज़्यादा ना मतलब आश्चर्यचकित हो रहा है कि आखिर तुम मेरे से ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, बताओ। अब वो अपने लवर से ये बात पूछ रही होती है, कह रही होती है कि क्या इस वजह से कि मैं तुम्हारी वाइफ थी पहले कभी, या फिर कुछ और। अब वो जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है ना, हम देखते हैं वो लड़का कुछ बोल नहीं पाता, थोड़ी देर के बाद वो जैसे तैसे करके बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत कुछ गलत किया है तुम्हारे लिए और तुम अब मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकता, लेकिन तुम समझो ना मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ज़्यादा और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, ठीक है। अब हम देखते हैं वो इसे ना अपने साथ बुलाने की बात कर रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं लड़की अपने पहले वाले पास्ट में ही याद करे जा रही होती है, कह रही होती है कि मेरे पास्ट में मैंने इसके ऊपर भरोसा किया और इसने क्या किया, इसने मेरे साथ ही मेरी वर्जिनिटी तोड़ो मतलब जो सील वगैरह है वो तोड़वा दी। अब भाई मैं क्या करूँ, इसके अंदर यही लिखा है। फिलहाल वो कह रही होती है कि मैं बाद में भूल गई और जो मेरे हस्बैंड के साथ रिश्ता था मैं उसे बाद में भूल गई और मैं इसके साथ चली गई और फिर बाद में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अब वो ये इन दोनों को ना कंपेयर कर रही होती है, मतलब भाई ये बात सच है, लड़कियों के पास ना बहुत सारे ऑप्शन होते हैं बट लड़कों के पास होते ही नहीं, खैर क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि देखो वैन वैन मेरे साथ चलो, ठीक है समझ में, मेरे साथ चल रही हो तुम। तभी हमें पीछे ना दो बंदे दिखाई दे रहे होते हैं, अब इस वैन वैन को तो पता होता है कि वो दोनों आ चुके हैं। तभी हम देखते हैं जो सी होता है ना, उसका जो बॉडीगार्ड होता है, वो कह रहा होता है कि देखो जो हमारी जो तुम्हारी वाइफ है ना वो उस पर्सन से मिलने के लिए गई है, वो भी आधी रात को, आखिर ये लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। अब ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका होता है और अपने प्रेजिडेंट से ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि वैन वैन मतलब अपने लवर से मिलने वाली है, आज तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले हैं हमारे बॉस। फिलहाल हमें दिखाई देता है कि सी को गुस्सा भी आ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वो यहाँ पे कुछ बोल नहीं रहा होता। फिलहाल वो लड़की चुपचाप बस खड़ी होती है और इससे बातचीत कर रही होती है। फिलहाल ये पर्सन कह रहा होता है कि चलो मेरे साथ। अब हम देखते हैं वो हाथ बढ़ा रहा होता है इसे लेके चलने के लिए। तभी हम देखते हैं वो बॉडीगार्ड गुस्सा करने लगता है, कह रहा होता है कि क्या ये दोनों हाथ पकड़ने वाले हैं, क्या करना चाहिए हमें। लेकिन हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना वैन वैन, वो पीछे की तरफ खिसक जाती है और मतलब इससे हाथ वगैरह नहीं मिला रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो साइड हटती है और इससे दूर होने की कोशिश कर रही होती है। तभी हम देखते हैं वो जो वैन वैन होते हैं ना, वो कहने लगती है कि देखो क्या गु, देखो मैंने तुम्हें बोला कि मैं तुम्हें फॉलो करने वाली हूँ, बताओ मेरे को। अब वो उससे एक सीधा क्वेश्चन पूछती है ये बात। अब वो जैसी ही वह बात बोलती है ना, वो पर्सन हैरान हो जाता है, कह रहा होता है कि वैन वैन क्या हुआ तुम्हें, देखो सी जो सी है ना वो ठीक नहीं है, वो तुम्हारे साथ खेल रहा है, समझ में आई बात तुम्हें, मतलब वो बहुत गंदी नज़र से तुम्हें देखता है। अब वो लड़की कह रही होती है गंदी नज़र से मुझे देखता है, हाँ तो अच्छी बात है ना, वैसे भी देखो उसकी जो एबिलिटी है ना और जिस हिसाब से वो बंदा है उस हिसाब से तो तुम बिल्कुल भी लायक ही नहीं हो, और उसे अगर तुमसे कंपेयर किए तो बहुत बेकार है, मतलब वो इतना हैंडसम है और तुमसे काफ़ी बेटर है, समझ में आई मेरी बात, और उसके साथ सोना मतलब मेरे लिए वर्थ इट है यार, क्योंकि वो इतना अमीर है और मतलब मेरी पूरी लाइफ आराम से वो खींच देगा, चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है। अब वो जैसे ये बात बोलती है ना, हम देखते हैं भाई जो सी का बॉडीगार्ड होता है ना वो देख के हैरान हो जाता है, कह रहा होता है क्या आखिर मिस ई ऐसा कैसे बोल सकती हैं इतना स्ट्रेंजली, मतलब बहुत अजीब सा बिहेव हो रहा है। लेकिन हम देखते हैं सी भी यहाँ पे खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि देखो वो जो पर्सन है ना जो सी है उसका बैकग्राउंड बहुत बेकार है, उसने बहुत सारे लोगों को कत्ल वगैरह कर रखा है और उसके बाद मर्डर के चार्जेस बहुत सारे हैं, तो मैं इसके साथ क्या करूँगी। लेकिन हम देखते हैं लड़की मुंह फाड़ रही होती है, क्या क्या फ़र्क पड़ता है मेरे को, वो किसी की भी जान ले, वैसे भी मज़ा आता है मेरे को उसके साथ में रोमांटिक बातें करते हैं हम और मज़े लेते हैं। अब वो ये बात बोल रहा होता है उसे मतलब बोल रही होती है और इसे चिढ़ा रही होती है, ये बंदा कह रहा होता है क्या क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरे साथ नहीं जाने वाले, देखो बाद में मेरे को ब्लेम मत करना, ठीक है मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। अब वो ये बात बोलता है वो जाने लगता है, कह रहा होता है कि वैन वैन देखो मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। अब वो ये बात बोल के जा चुका होता है। फिलहाल वो लड़की उसी को देख रही होती है,
तभी हम देखते हैं वो कहने लगती है कि ठीक है मैंने कर दिया, अब ये जो पर्सन है ना अब मेरे पास कभी नहीं आएगा। फिलहाल हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है ना सी, वो भी इसी को देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो लड़की कहने लगती है कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में ना बहुत डरावनी चीज़ें देखी थी, खैर अब जो टाइम है वो चेंज हो चुका है, ऐसा लगता है जो डरावनी फीलिंग थी वो भी जा चुकी है, मतलब ख़त्म हो चुकी है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना वैन वैन, वो घर की तरफ वापस आ रही होती है और वो देख रही होती है कि कहीं वो बंदा देख रहा है उसे कि नहीं देख रहा। तभी हमें दिखाई देता है वो कह रही होती है कि इसका मतलब टाइम चेंज हो चुका है और इस बार जो टेस्ट है ना उसमें मैं पास हो गई हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। अब हम देखते हैं वो दरवाज़ा ओपन करती है और अपने रूम में वापस आ चुकी होती है। अब वो जैसी आती है ना हमें दिखाई देता है कि जो सीईओ होता है ना वो आके बैठा होता है, वो उसे बुला रहा होता है, कह रहा होता है कि इधर आओ मेरे पास आओ। अब हम देखते हैं वो चेयर पर बैठा होता है, मतलब अपनी किंग वाली जो चेयर होती है उस पर बैठा होता है, वो उसे बुला रहा होता है। वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है, कह रही होती है कि नहीं यार मैंने कभी ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, इतना डर क्यों लग रहा है मेरे को, मैंने दोबारा जन्म क्यों लिया, शिट क्या हो रहा है मेरे को, लेकिन मेरे को इस बार साहस दिखाना होगा, मुझे ये फेस करना होगा, अगर मैं अपनी लाइफ चेंज करना चाहती हूँ तो मुझे ये करना होगा, मुझे अपनी डर से मतलब बाहर आना पड़ेगा। अब हम देखते हैं लड़की जैसे तैसे करके इसके पास आ चुकी होती है, जैसे वो उसके आगे खड़ी होती है ना हम देखते हैं भाई वो पर्सन ना उसे पकड़ता है हाथ से और उसे ना अपनी गोद में बैठा लेता है। अब हमें दिखाई देता है वो उसे गोद में बैठा लेता है, वो लड़की बहुत ज़्यादा सोक्ड हो चुकी होती है और अगले ही मतलब अगले ही पल हम देखते हैं उसने उसे किस कर लिया होता है। फिलहाल वो जैसे ही किस करता है ना वो लड़की तो बिल्कुल लिटरली बहुत ज़्यादा सोक्ड हो चुकी होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है ना सीयान, वो उसे पकड़ के अच्छे से किस करे जा रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि शिट मैं डॉच नहीं कर सकती लेकिन मैं इसे धोखा भी नहीं दे सकती। अब हमें दिखाई देता है कि लड़की ने इससे बहुत ज़्यादा प्यार करने के बारे में सोच रही होती है, मतलब सोच रही है भाई लिटरली क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल वो जैसे तैसे करके सोच रही होती है, कह रही होती है कि अरे ये क्या हुआ इसका मतलब, अब वो उसे कुछ समझ में आता ही नहीं है क्योंकि भाई हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है ना सी वो उसके ठीक सामने मतलब सो चुका होता है। अब वो जैसे सोता है वो लड़की बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, कह रही थी कि अरे ये क्या है आखिर ये कैसे हो सकता है। अब वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट दिखाई दे रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि सी यान आराम से। अब हमें देखते हैं उसे उसका नाम ना बड़े ही प्यार से ले रही होती है। तभी हमें दिखाई देता है ठीक पीछे ना एक बंदा आता है, वो कह रहा था कि शिट 9th मास्टर को ना एक इंसोमनिया का बीमारी है, शिट वो सो जाते हैं कभी भी। तभी हमें दिखाई देता है कि वो लड़की कह रही होती है कि जो सी फैमिली है ना उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े प्रोफेशनल डॉक्टर को दिखाया लेकिन किसी को भी ये जिसकी इनकी जो बीमारी है उसका इलाज नहीं मिल पाया। अब वो ये बातें सोच रही होती है तभी हम देखते हैं उसका जो बॉडीगार्ड होता है वो धीरे धीरे करके आ रहा होता है, कह रहा था कि चुप 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 चुप, देखो मुझे पता है जो हमारे 9th मास्टर है ना उन्होंने 3 दिन से नहीं सोए हैं इसीलिए वो उन्हें नींद आ गई इसीलिए वो सो गए, तुम बस उनकी रक्षा करना ठीक है। वो लड़की कह रही थी कि हाँ क्या ये 3 दिन से सोया नहीं है, ठीक है तुम चिंता मत करो मैं इनकी हेल्प करूँगी मतलब सोने में। वो कह रही होती कि कहीं इस वजह से तो नहीं मेरी वजह से, क्योंकि मैं 3 दिन से ना भागने की प्लान बना रही थी इसका मतलब मे बी हो सकता है। तभी हम देखते हैं उस बॉडीगार्ड का फ़ोन बज जाता है। अब वो जैसी वो उसका वॉकी टॉकी या फ़ोन बजता है ना वो बंदा हैरान हो जाता है, कह रहा था कि शिट अगर मास्टर ने देखा, क्योंकि अगर मास्टर को कोई सोते सोते डिस्टर्ब करे तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी हमें ना उसके मास्टर का दिखाई देता है, वो बंदा अचानक से आंखें ओपन करता है। अब वो जैसे अपनी आंखें ओपन करता है ना भाई वो पर्सन ना बहुत ज़्यादा घबरा चुका होता है, फिलहाल ये घूर ही ऐसे रहा होता है। तभी हम देखते हैं भाई ये दोनों दोनों सॉक्ड हो चुके होते हैं क्योंकि इनके ऊपर बिजली गिर चुकी होती है, ऐसा मुझे लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं हमारी जो वैन वैन होती है ना वो उसकी मतलब मुंह पे सॉरी आंखों पे मतलब आंखों पे उंगलियां रख देती है और उसे कह रही होती है कि देखो आराम से तुम सो सकते हो ठीक है, बड़े ही प्यार से उसे बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं इसने इस लड़की ने इसे मतलब सीने से लगा लिया होता है और बड़े ही प्यार से मतलब सुला रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं सो जाओ सो जाओ, अब वो सो चुका होता है। अब वो बॉडीगार्ड बड़े ही चैन से चैन की नींद ले रहा होता है। तभी हम देखते हैं इस लड़के को बड़े ही प्यार की नींद आ रही होती है कि मैं क्या ही बोलूँ यार। खैर इसी के साथ रात वगैरह हो चुकी होती है और थोड़ी देर के बाद मतलब थोड़े समय के बाद मॉर्निंग भी हो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं इस वैन वैन की नींदें ओपन होती है। अब वो जैसी सो के उठती है ना कह रही थी कि ओह मैं सो गई थी, मैं कब सो गई थी। अब उसे कुछ याद ही नहीं होता, मतलब उसे कुछ होश ही नहीं होता। तभी हम देखते हैं वो नोटिस करती है उसके हाथ पे ना आईलाइनर की वो लगी होती है आई शेडोज। अब वो देखती कह रही थी कि क्या आईलैशेस लगे हुए हैं आखिर कैसे। अब वो सोच रही होती है कि जो पास्ट लाइफ है थी ना मेरी पहले वाले जन्म में मैंने कभी भी मैं गू के साथ गई थी तो मैंने कभी भी अपना मेकओवर वगैरह कुछ भी नहीं किया, मैंने मेकअप वगैरह किया ही नहीं क्योंकि मेरे को मिलता नहीं था। तभी हम देखते हैं वो यहाँ पर आती है और मेकअप वगैरह लगाने की बात कर सोच रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो यही बातें सोच रही होती है, कह रही थी कि अब अच्छा है अब मैंने फाइनली सब कुछ तोड़ताड़ दिया है मतलब अब मेरा नया जन्म हुआ है तो मैं इस बार अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगी। तभी हम देखते हैं वो सारा मेकअप वगैरह लेती है तब में जाती है और हमें ना इसके ठीक पी जो इसका पीठ होता है उस पर टैटू वगैरह भी दिखाई दे रहे होते हैं, ये टैटू के बारे में भी बात कर रही होती है। वैन वैन सोच रही होती है कि पास्ट लाइफ में मैंने कभी कभी भी टैटू वगैरह नहीं बनवाए। अब हम देखते हैं वो टब में आके बैठती है, कह रही होती है कि तो
मैंने मेरा वापस से जन्म हुआ है, अब मैं फिर से अपने आप से मिल पाऊंगी। अब हम देखते हैं, वो कह रही थी कि मैं तो भूल ही गई थी। फिलहाल हम देखते हैं वो नहा धो रही होती, कह रही थी कि अब मैं अपने आप से वापस से मिल जाऊंगी। फिलहाल हम देखते हैं और हमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा होता, क्योंकि हमें देखना ही कुछ और होता है, बट वो दिखाई ही नहीं दे रहा होता। फिलहाल हम देखते हैं लड़की आराम से नहा रही होती है, और भाई मैं क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि मेरी स्किन वाओ कितनी अच्छी है। अब हम देखते हैं वो जैसे तैसे करके नहा धो के रेडी हो चुकी होती है और अपने कपड़े वगैरह पहन चुकी होती है। फिलहाल आगे बैठती है, कह रही होती कि शिट, जो मेरी पास्ट लाइफ थी ना उसमें मेरा जो बाल थे वही बहुत छोटे थे, अब थैंक गॉड मेरे लंबे लंबे बाल हैं। अब उसे ना बहुत ही अलग ही प्रकार की खुशी मिल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो अपने कपड़े लेने के लिए आती है, अब वो देख रही होती है इतने सारे कपड़े। फिलहाल उसे एक कपड़ा सूज मतलब एक कपड़ा उठाती है, कह रही होती कि नहीं ये से नहीं, दूसरे कपड़ा लेना है। अब हम देखते हैं वो अब जो अपना अलमीरा होता है ना उसे ओपन करती है। अब भाई यहाँ पर इतने सारे कपड़े होते हैं ना, वो कह रही होती कि फाइनली मेरा दोबारा से जन्म हो गया है और यहाँ पर इतने सारे कपड़े आए हैं। तभी हमें ना पूरा का पूरा इसके लिए मतलब एक बहुत बड़ा स्टोर टाइप का, शोरूम टाइप का दिखाई दे रहा होता है। कह रही होती कि क्या इतना सारा क्यों है भाई, सच में मैंने कभी भी ऐसी महंगी महंगी चीज़ों को टच नहीं किया है अपनी पास्ट लाइफ में, मैंने नहीं किया था और इस 7 साल में बहुत कुछ हुआ था। चलो ठीक है, मैं दोबारा से डेट वगैरह करना चाहती हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें ना सी का सीन दिखाई दे रहा था, जहाँ पर हम देखते हैं वो कप वगैरह पी रहा होता है, मतलब चाय वगैरह पी रहा होता है अपने दोस्त के साथ में। उसका दोस्त बैठा होता है और वो उसे घूरे जा रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे तूने तो मुझे डरा दिया था। अब अचानक इसका क्या होता है, इसका जो कप का गिलास होता है ना वो गिरते गिरते बचता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि तो तुम लास्ट नाइट कहाँ पर थे बताना जरा, क्या तेरी प्यास बुझ गई बोल। अब अपने दोस्त को चिल्ला रहा होता है, मतलब सी को चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि तूने एक्चुअली में उस लड़की को मतलब भाई देख तू इतना बड़ा है इतना अमीर है, तू कोई सी भी लड़की चूज़ कर सकता है, फिर तूने उसी लड़की को क्यों चूज़ किया बता। देख मैं ठीक है मतलब सेक्स करना ठीक है सब कुछ ठीक है, मैं जानता हूँ तू उसी के लिए करना चाहता है ठीक है, लेकिन फिर भी यार तेरे को 2 महीने हो चुके हैं ऑलरेडी समझ। अब ये ना फालतू की ज्ञान दे रहा होता है उसे। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि देख मैं ठीक है लेकिन मैं तेरे भाई की ना हेल्प नहीं कर सकता इसमें ठीक है। अब वो ये बातें बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं भाई वो जो लड़की होती है ना वैन वैन वो नीचे आ चुकी होती है। अब वो जैसी आती है ना इस लड़की की निगाहें उस लड़की पर पड़ती है। अब वो देख के बहुत ज़्यादा सोगड़ हो चुका होता है, कह रहा होता है कि ओ ये लड़की कौन है। अब हमें दिखाई देता है कि फैन वैन ना उस सी के ठीक बगल में आके बैठती है, वो लड़का देखे जा रहा होता है उसे कंटिन्यूसली। खैर हम देखते हैं सी भी उसे देख रहा होता है। फिलहाल अगर तुम लोग को मोमोज वगैरह खाने हैं ना तो तुम खा सकते हो ठीक, ठीक सामने तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे। फिलहाल हम देखते हैं उसकी निगाहें हटी नहीं रही होती है। अब वैन वैन सोच रही होती है कि ये सी यान को क्या हो गया, ये हमेशा मेरे को ही घूरे जा रहा है, क्या हो गया मेरे को, खैर मेरे को खाने में ध्यान देना चाहिए। अब हम देखते हैं वो अपने खाने पे ध्यान दे रही होती है, कह रही होती है कि मुझे खाना खाना चाहिए बस, बाकी और कोई काम नहीं करना मेरे को ठीक है, मुझे अच्छा लगा ये सारी बातें सोच के। तभी हम देखते हैं उस लड़की का ना बाल ना बाउल के अंदर जा रहा होता है। अब वो बाल मतलब जो बाल होता है उसे हटा रहा होता है जो सी होता है। अब वो जैसे ही हटाता है वो लड़की देख के सोगड़ हो जाती है। फिलहाल सी बोल रहा होता है कि देखो तुम्हारा जो बाल है ना उस बाउल के अंदर जाने वाला था, तुम भूल गई थी बस ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं वह लड़की अपना बाल थोड़ा साइड करती है और बहुत ज़्यादा ब्लश वगैरह करने लगती है। अब उसे बहुत ज़्यादा ब्लशिंग वगैरह हो रही होती है। फिलहाल उसका दोस्त उसी को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि भाई इसकी लव स्टोरी तो स्टार्ट हो गई। तभी हम देखते हैं उसके कान के पास आता है, कह रहा होता है कि अरे आखिर तुझे इतनी मस्त पटाखा कहाँ से मिली, वैसे वो जो लड़की है ना वैन मैन मुझे लगता है कि तुझे ना उसे छोड़ देना चाहिए, बेकार है वो, उसे रौन दे समझ में आई। अब वो उसे रौनने की बात कर रहा होता है, ये लड़की कह रही थी क्या रौनने की बात हो रही है, अब ट्रैम्पल का मतलब ना रौनना ही होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि हाँ और नहीं तो क्या, आखिर वो अगली लड़की है कहाँ, वो बदसूरत है कहाँ पर, क्या तू अभी भी उसे चेस कर रहा है बता मेरे को। अब वो उसे अगली भी बोल रहा होता है, वो लड़की उसके ठीक सामने है और इस लड़के को नहीं पता कि वो लड़की वही है। अब हम देखते हैं उसे अगली भी बोल रहा होता है, वो लड़की तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है। इसका दोस्त कह रहा होता है कि देख तुझे पता भी है वो कितनी मोटी है, 2 साल में ना वो कम से कम 75 किलो की हो चुकी है यार, तुझे पता भी है। अब वो उसके सामने मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब बेइज्जती करे जा रहा होता है, कह रहा था कि तुझे आखिर उसमें कैसा टेस्ट दिखाई दे रहा है, वो मतलब इतनी मोटी है फैटी है यार भाई क्या हुआ तुझे। अब वो इतनी सारी बातें जैसी बोलता है ना भाई, ये लड़की ना मतलब अपने आप को अपने कब्र खोद ली होती है इस लड़की ने। अब इतनी बेइज्जती होने के बाद हम देखते हैं भाई ये लड़की सीधा खड़ी हो जाती है, कह रही थी कि लिन क्यों। अब उसे बहुत ज़्यादा गुस्से से कह रही होती, कह रही थी कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे को 75 किलो को बोलने की, देखो क्या हुआ अगर मैं मोटी हूँ तो, क्या मैंने तुम्हारा खाना खाया। अब हमें दिखाई देता है कि उसकी वो उस लड़की ने ना अपनी मुट्ठी बीच की होती है उसे मारने के लिए। वो लड़का इसको देखता है, कह रहा होता है कि आखिर इसकी आवाज़ जानी पहचानी क्यों लग रही है। अब वो जैसे ही कुछ सोच पाता उसे अचानक याद आता है, अरे नहीं इसका मतलब ये वैन वैन है शिट। अब वो लड़का बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है क्या एक मिनट क्या 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 तुमने प्लास्टिक सर्जरी करी है। अब वो वैन वैन बोल रही होती मैंने प्लास्टिक सर्जरी करी है मेरा पिछवाड़ा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो ये बात बोल रही होती, कह रही थी कि तुमने आखिर मेरे को मोटा क्यों बोला, तुम बस इस पॉइंट पर आओ, समझ में आई मेरी बात, मैं जैसे पहले थी वैसे ही अभी भी हूँ, तुम्हें बस मेरे को अच्छा सा एक क्लियर एक्सप्लेनेशन देना होगा कि तुमने मेरे को मोटी क्यों बोला और मैं तुम्हें कहाँ से मोटी दिख रही हूँ बताना जरा। अब उस पर ना बहुत ज़्यादा भड़क रही होती है और उसको गाली मतलब दे रही होती है और बहुत ज़्यादा ज़्यादा चिल्ला रही होती है। वो लड़का बस देखे जा रहा होता है इसे। तभी हम देखते हैं सी यान आता है
वो उसके सर पे ना मतलब हाथ फेरता है, कह रहा था कि बेटा शांत हो जा मन्ना शांत हो जा। अब उसे बड़े प्यार से बोलता है, कह रहा था कि देखो तुम मोटी नहीं हो ओके। अब उसे जैसे ये बात बोलता है वो लड़की ना देख के ब्लस करने लगती है, कह रही थी कि सियान तो सच में बहुत ही ज़्यादा जेंटल है यार। अब वो लड़की ना बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो चुकी होती है उस लड़की की वजह से। फिलहाल हम देखते हैं वो दोनों मतलब यहाँ पर इन दोनों के बीच में गुटरगू होना स्टार्ट हो चुका होता है, और हम देखते हैं वो उससे पूछ रही होती है, कह रही थी क्या मतलब मैं पहले मोटी हुआ करती थी। अब जो सी होता है वो बता रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं ना तुम पहले मोटी थी ना तुम अब मोटी हो ओके, समझ में आई मेरी बात। अब उसे ये बात बोल रही होती है, तभी हम देखते हैं उसका दोस्त कह रहा होता है कि ओ दिमाग के पैदल क्या हुआ तुझे, ओ हेलो नाइन्थ ब्रदर बता मेरे को। अब हम देखते हैं भाई उसके दोस्त के ना मतलब ये सहन नहीं हो रहा होता कि उसकी बुराई मतलब अच्छा ही कर रहा है। तभी हम देखते हैं सी कह रहा होता है कि देखो जो भूमि है ना वो मैंने जो अंडा को दे दी है ऑलरेडी, समझ में आई मेरी बात। अब वो जैसी बात बोलता है उसका दोस्त कह रहा था कि क्या हाँ आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, देखो हमने अग्री हुए थे ना डील के लिए, आखिर तुम आखिर दूसरी कंपनी को वो जमीन कैसे दे सकते हो, देखो मेरी बात सुनो तुमने वो भूमि युआंडा को दे दी है या फिर तुम देने वाले हो, देखो तुम मतलब आंखें झपका के तो ऐसा डिसीजन ले नहीं सकते, समझ में आई बताओ मेरे को। अब हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर ना कोई बातें हो रही होंगी जमीन से रिलेटेड, तो हमारा जो प्रेसिडेंट है ना उसने वो जमीन ना किसी और को दे दी क्योंकि इस पर्सन ने उसकी ठीक वाइफ की बेइज्जती करी होती है उसके मुंह के सामने। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन बता रहा होता है, कह रहा था कि मैंने अभी जस्ट बेची है। अब वो ये बात बोल रहा होता है, ये पर्सन कह रहा था क्या व्हाट द हेल, क्या ये इस वजह से तो नहीं है कि मैंने वैन वैन को मोटी बोला है, बताओ मेरे को व्हाट द हेल क्या चल रहा है। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि और नहीं तो क्या। अब वो बोलने लगता है कि सच में बहुत बेकार बॉस हो तुम सच में। तभी हम देखते हैं जो सी होता है वो कह रहा होता है कि हाँ अब जो बकवास लड़का है उसे बाहर फेंकने की बारी है। अब वो जैसी बात बोलते ही कह रहा था क्या मैं अनोइंग हूँ तुम्हारे लिए, सच में बहुत बेकार है एक लड़की के आने से एक लवर के आने से तू अपने अपने दोस्ती को बहुत दुख पहुंचाया है और तो और बोला कि मैं अनोइंग हूँ। अब वो ये बात बोलता वो जाने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं दोनों दोनों बस उसकी ओवर एक्टिंग देख रहे होते हैं और कुछ नहीं बोल पाते। तभी हम देखते हैं वो लड़की ना आराम से चुपचाप बैठती है। अब वो जैसी बैठती है ना हम देखते हैं जो सी होता है वो उसे कह रहा होता है कि तुम और खाओ ठीक है। अब उसे और ज़्यादा खाने की बात कर रही होती है, वो कह रही होती है कि सियान देखो तुम्हें नहीं लगता कि मैं थोड़ा आज अलग लग रही हूँ। अब वो उससे पूछ रही होती है, कह रही होती है कि बताओ तुम क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं आज अलग लग रही हूँ। अब वो उसे देखता है, कह रहा होता है क्या क्या अलग लग रहा है तुम्हारे में। अब वो उससे पूछ रही होती है मेरा लुक बताओ ज़रा, क्या तुम्हें लगता नहीं है कि मैं आज थोड़ी अलग दिखाई दे रही हूँ। अब सी बहुत बता रहा होता है उसे, कह रहा होता है कि देखो कुछ भी डिफरेंस नहीं है ना, तुम पहले जैसी थी अजीब थी ना तुम अभी भी अजीब हो, तुम पहले जैसी थी वैसे अभी भी हो, तुम्हारा टेस्ट बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। अब वो सोच रही होती है क्या मेरा टेस्ट पहले के जैसा का जैसा ही है क्या मतलब। अब हम देखते हैं उसके ख्याली पुलाव के अंदर मतलब कुछ अलग ही खिचड़ी पकड़ी होती है। वो कह रही होती है कि थैंक गॉड मेरे को आज रियलाइज़ हो गया पहले ही कि मैं बहुत पहले अगली हुआ करती थी नहीं तो। अब वो ये बात बोलते बोलते ना बहुत ज़्यादा काप वगैरह रही होती है। तभी हम देखते हैं वो जो सी होता है ना वो उससे पूछ रहा होता है क्या हुआ क्यों कोई दिक्कत है क्या, वो मना कर रही होती है, कह रही थी कि नहीं, वो मुंह मुंह खुला रही होती है। तभी हम देखते हैं उसे कुछ नोटिस होता है। अब वो सामने देखती है, वो देख के ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी होती है क्योंकि भाई हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है ना सीयान वो हंस रहा होता है। वो देखती है ऐसे, कह रही होती क्या ये हंस रहा है कैसे, क्योंकि भाई ये पर्सन ना हमेशा खड़ूस रहता है और मतलब हमेशा गुस्से में रहता है ना इस वजह से ये आज हंस रहा होता है, इसीलिए ये लड़की शॉक्ड होती है। कह रही थी कि इसका मतलब ये इसने मतलब कल रात को मेरे साथ नींद अच्छी पूरी करी थी इसी वजह से तो नहीं हंस रहा, पता नहीं क्या मेरे को इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्या मेरे को यहाँ से जाना चाहिए, क्या मेरे को इससे पूछना चाहिए कि मेरे को ये स्कूल वापस भेज सकता है या फिर नहीं। तभी हम देखते हैं वो उससे ये सारी बातें सोच रही होती, कह रही थी कि जब मैंने जो मेरा पास्ट टाइम था ना मतलब 7 साल पहले जब मेरा पहला लाइफ था तब मैं स्कूल नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरा डिसीजन बहुत बेकार था और मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई थी। अब वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में याद कर रही होती क्योंकि वो गू के साथ गई थी लास्ट टाइम, इस बार वो इसके साथ गई है। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती कि देखो मेरे को ना मतलब कुछ अगर ऐसा हो सकता है कि क्या मैं वापस से स्कूल चले जाऊँ मतलब पढ़ने के लिए। अब वो पढ़ने के लिए परमिशन वगैरह मांग रही होती है इससे, जैसे वो मांगती है भाई वो पर्सन गुस्से में आ चुका होता है। वो कह रही होती है कि जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था ये पर्सन हमेशा गुस्सा करने वाला है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है ठीक है मैं नहीं जाऊँगी ओके। अब वो मना कर रही होती है, वो कह रही होती है कि इसमें सरप्राइज़ होने वाली क्या बात है, मुझे तो पता था ऐसा होने वाला है। लेकिन हम देखते हैं भाई वो जो पर्सन होता है ना सी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो कहने लगती है कि अरे मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। लेकिन हम देखते हैं वो अभी भी गुस्से में दिखाई दे रहा होता है, वो कह रही होती है कि अरे बस करो यार मेरे से इनकी आंखें देख ही नहीं जा रही, कितना मुश्किल है इस आदमी के साथ खेल पाना, सच में बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ। अब वो लड़की अपने मन में ये सारी बातें सोच रही होती है। खैर तभी हमें दिखाई देता है पीछे से आवाज़ आ रही होती है नाइन्थ मास्टर। अब हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर ना कम से कम 4 से 5 आदमी आए होते हैं जो कि मतलब उन्हें ना प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करनी होती है। वो कह रही होती है कि देखो हम ना यहाँ पे गार्डन से जो रिलेटेड प्रोजेक्ट है ना उसके बारे में बात करने आए हैं। अब वो आगे आते हैं, अब वो जैसे ही आगे आता है जो मैनेजर होता है वो देख के शॉक्ड हो जाता है, कह रहा था कि अरे ये लड़की कौन है। अब ये तीनों चारों ना मतलब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुके होते हैं उस लड़की को देख के। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि अरे देखो मत सॉरी सॉरी आज ना मैंने मेकअप अपना जो
मेकअप है वो लगाना भूल गई, इसी वजह से ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्या ही तुम लोग डर तो नहीं गए, बताओ। अब वो उससे ये पूछ रही होती है उन लोगों से। अब वो जैसी बात बोलती है, ये लोग हैरान हो जाते हैं, कह रहे होते हैं क्या क्या ये वैन वैन है। अब भाई ये चारों के चारों जो पांचों होते हैं ना बंदे हैरान हो चुके होते हैं, कह रहे होते हैं क्या ये वैन वैन है सच में। वो लड़की कह रही होती है क्या क्या मैं इतनी चेंज हो गई हूँ क्या। फिलहाल हम देखते हैं वो अपने बारे में, जो हरा बाल होता है ना उसके बारे में सोच रही होती है, कह रही होती है कि मेरे को याद है जो मेरा फेस है वो पहले जैसा ही है, बस एक चीज़ की दिक्कत है। वो क्या है, वो मेरे बाल जो कि तुमने ही बोले थे ना। अब वो अपने हरे बाल की तरफ इशारा कर रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़का कह रहा होता है कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, ठीक है सब कुछ ठीक है। तभी हम देखते हैं ये लड़की बोलने लगती है, कह रही होती है कहीं मेरे को वापस अपना पुराना वाला लुक ले लेना चाहिए क्या, अगर बेकार लग रहा है तो फिर मैं चेंज कर सकती हूँ। लेकिन हम देखते हैं ये तीनों चारों मना कर देते हैं, कह रहे थे कि नहीं नहीं मिस आपका ये लुक अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम देखते हैं तीनों यही बातें बोल रहे होते हैं, कह रहे थे कि यार ये लड़की तो बिना मेकअप के काफ़ी अच्छी लगती है, देखो तो ज़रा इसे कितनी सुंदर लग रही है, लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी है, इसमें दिमाग की कमी है। तभी वो लड़की आगे आती, कह रही थी कि तुम लोग को गार्डन के मतलब प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना था ना, देखो मेरे पास कुछ सजेशन है। अब वो आगे की तरफ आते हुए कह रही थी कि मेरे पास कुछ सजेशन है। अब वो जैसी बात बोलती है ना भाई मैनेजर के तो मतलब होश उड़ जाते हैं, कह रहा था कि शिट आज मैं बैट लगा सकता हूँ, आज जरूर मेरी डांट पड़ने वाली है। तभी हम देखते हैं वो प्रेसिडेंट की तरफ देखता है। अब वो उनकी तरफ देख रहा होता है, पूछ रहा होता है कहीं मैं इनसे सजेशन लूँ या फिर ना लूँ। तभी हम देखते हैं वो 9th मास्टर की तरफ देखता है। अब वो जैसे ही देखता है ना वो पर्सन भी कह रहा होता है कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम सजेशन लोगे या फिर नहीं लोगे। अब ये पर्सन रो रहा होता है, कह रहा था कि शिट यार क्या करूँ मैं, आह शिट। अब बेचारे को सजेशन लेना ही पड़ता है। फिलहाल हम देखते हैं वो उससे पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तो बताओ मैम आपको कौन सा क्या सजेशन करना है। वो लड़की बता रही होती, कह रही थी कि देखो मेरे को रोज़ वगैरह पसंद नहीं है, ठीक है तो मैं चाहती हूँ कि तुम ना सनफ्लावर उगाओ फ्लावर गार्डन के अंदर, बताओ कैसा रहेगा ये। अब वो जैसी बात बोलती है हम देखते हैं उस पर्सन को याद आ रहा होता है, वो उस लड़की के बारे में सोच रही होती है जैसे जो पहले लड़की थी। वो कह रही होती कि सारे फ्लावर में आग लगा दो, इनकी सारी जड़ें हटा दो। अब वो सोच रही होती है, कह रही थी क्या आपको मिस आपको कहीं सनफ्लावर वाले जो फूल हैं वो पसंद है क्या। अब वो उसे याद कर रहा होता है और उससे कंपेयर कर रहा होता है। वो लड़की कह रही थी कि ऐसे ही तो फिर क्यों आपने ऐसा बोला। अब वो पर्सन जो मैनेजर होता है वो उससे पूछ रहा होता है आखिर आपने ऐसा क्यों बोला। अब ये लड़की बता रही होती, कह रही थी कि देखो जो सनफ्लावर है ना हम उसके बीज से ना मतलब एक काफ़ी अच्छा हम लोग उसे फ्राई कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं, उसे बाद में हम जो मछली का तालाब होता है उसमें यूज़ करके मछलियाँ पकड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं वो एक ही चीज़ से ना बहुत सारे बिजनेस करने के बारे में बता रही होती, कह रही थी कि उसके बाद फिर हम आलू उगाएंगे ये उगाएंगे वो उगाएंगे मतलब फलाना ढमकाना जो भी है। फिलहाल हम देखते हैं वो एट द एंड बोल रही होती, कह रही थी कि हम लोग बाद में ना कैबेज भी उगाएंगे। अब वो जैसी पत्ता गोभी उगाने की बात कर रही होती है वो बंदा खुश हो जाता है, कह रहा था क्या कैबेज, हाँ कैबेज क्यों नहीं हम कैबेज नहीं उगा सकते क्या। तभी हम देखते हैं जो प्रेसिडेंट होता है ना जो सी होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है फिर तो इस टाइम ना तुम मेरे साथ रहने वाली हो, ओके समझ में मेरी बात। तभी सी हान पूछने लगता है, कह रहा था कि तो बताओ कहीं कभी मैंने तुम्हें भूखा रखा है। अब वो उससे ये पूछ रहा होता है, वो वैन वैन कह रही होती है कि नहीं नहीं कभी भूखा नहीं रखा। अब हम देखते हैं वो फालतू की सारी बातें बताने लगती है, कह रही होती है कि तुमने तो मुझे पता नहीं क्या क्या इतना सारा खिलाना खिलाया है, मतलब वो सारी बहुत सारे खाना खाने की बात बता रही होती है, क्या मतलब अपने मन में सोच रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं खाना तक तो ठीक था, वो बताने लगती है, कह रही होती है कि तुमने तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी चीज़ मेरे को चॉकलेट ला के दिए, मुझे बहुत पसंद है चॉकलेट, पता नहीं बस कोई भी मेरे को फूड वगैरह देता है ना तो मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ, ऐसे ही अपने मन में सोच रही है सिर्फ। तभी हम देखते हैं वो पर्सन रोता हुआ जो मैनेजर होता है ना वो रो रहा होता है, कह रहा होता है कि आखिर ये मिस करना क्या चाहती हैं, ये नई पत्तियाँ उगाना चाहती हैं ना, ठीक है फिर देखते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, कह रही होती है कि चलो फिर ठीक है अब हम ऑटम के महीने में बहुत सारा खाना खाएंगे, ये मज़ा आएगा। अब जो सी होता है वो भी खुश हो रहा होता है, कह रहते हैं कि ऑटम के महीने में ठीक है। तभी हम देखते हैं वो उसका काम वगैरह देख रहा होता है और यहाँ पर ना काम वगैरह की बातें चल रही होती हैं। वो जो प्रेसिडेंट होता है ना जो सीईओ होता है वो सोच रहा होता है कि पास्ट टाइम पहले ना ये लड़की भागना चाहती थी, अब ये लड़की खुद यहाँ पे रह के हम लोग की सेवा कर रही है, आखिर ऐसा कैसे। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि वो लड़की ना एक्चुअली में गार्डन में आके काम वगैरह करवा रही होती है, मतलब ऑर्डर वगैरह दे रही होती है और कह रही होती है कि चलो फाइनली ये सारा काम हो गया। अब हम देखते हैं वो लड़की खुश हो रही होती है, कह रही थी कि चलो फाइनली सारा काम हो चुका है। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं ये लड़की सोच रही होती है कि शिट मेरे को ना स्कूल जाना होगा और जो इनके साथ में मेरी रिलेशनशिप है ना उसे मुझे ठीक करना होगा, कुछ भी हो जाए मुझे बस ठीक करना है क्योंकि मेरे को स्कूल जाना है और ठीक करने के लिए मेरे को इनसे अच्छे से बात करनी होगी। तभी हम देखते हैं वो सी यान के रूम में आती है, नॉक नॉक कर रही होती है और दरवाज़ा ओपन होता है। वो कह रही होती है कि देखो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी अर्जेंट, क्या तुम अभी फ्री हो। अब वो सी से पूछ रही होती है क्या तुम फ्री हो, सी क्या कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप बस दरवाज़ा ओपन करके अंदर की तरफ जाने लगता है। वो कह रही होती है कि आज मुझे कुछ भी करना पड़े या आज मुझे ना इसके साथ क्यों ना आज रात बितानी पड़े, मैं आज इसे पटाके मारूंगी या फिर कुछ भी हो जाए, मैं बस इसके साथ मतलब मेरे को जो होना है हो जाए, बस मेरे को स्कूल जाना है। अब हम देखते हैं वो अंदर की तरफ आती है, कह रही होती है कि लास्ट नाइट इसने काफ़ी अच्छी मतलब नींद ली थी, मे भी हो सकता है कि ये 3 दिनों से सोया ना हो इस वजह से अच्छी नींद आई हो। तभी हम देखते हैं दरवाज़ा बंद हो चुका होता है और हम देखते हैं वो जो सीईओ होता है ना वो उससे पूछ रहा होता है तो बताओ क्या काम था तुम्हें मुझसे।
फिलहाल हम देखते हैं वो दारू पीता हुआ ये बातें बोल रहा होता है। वो लड़की इसके पास आती है, कह रही थी कि एक्चुअली मेरे को ना तुमसे हमारे रिलेशनशिप के बारे में बात करनी थी। अब वो ये बात बोल रही होती है, कह रही थी कि हमें हमारे रिलेशनशिप के बारे में बात करनी है। वो कह रहा होता है क्या हमारे रिलेशनशिप के बारे में, देखो जैसा वो बोलती है वैसा करो ठीक है। अब वो ये बात बोल रहा होता है लेकिन हम देखते हैं वो लड़की चुपचाप आगे बैठ चुकी होती है। कह रही थी कि सीहान देखो तुम्हें क्या लगता है कि हमारा जो रिलेशनशिप है ऐसे ही मतलब ऐसे कब तक रहेगा। वो बोलने लगता है कि देखो तुम मेरी हो ठीक है, तो तुम्हारा रिलेशनशिप कहाँ से आ गया बीच में। अब वो उससे ये बात बोल रहा होता है, वो लड़की कह रही थी कि शिट इसके तो बाल नहीं पड़ने वाला, मैं ऐसे नहीं समझ पाऊंगी, शिट ऐसे ऐसा मेथड तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी हम देखते हैं वो थोड़ी फ्लर्ट लाइन वगैरह यूज़ करती, कह रही थी कि सियान देखो हम ऐसे फिगर आउट नहीं कर सकते, देखो मुझे पता है तुम्हारे पास इतनी सारी लड़कियां हैं, फिर तुमने मेरे को ही क्यों चूज़ किया मुझे बताओ, मुझे नहीं पता आखिर, तुम्हें तो मतलब किसी भी लड़के में इंटरेस्ट आ जाएगा ना, तुम्हारे पास बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां होंगी, फिर तुमने मेरे को ही क्यों चूज़ किया है बताओ, मेरे को रीज़न चाहिए, रीज़न चाहिए, नहीं तो हमारा जो हमारा रिलेशनशिप है ना उसे चेंज करना है, मैं कुछ भी नहीं जानती। तभी हम देखते हैं वो लड़की अपने दिल की बात बता रही होती, कह रही थी देखो तुम हमेशा मेरे ऊपर गुस्सा करते रहते हो तो मैं तुम्हारे मतलब खिलाफ़ कैसे जा सकती हूँ। अब वो उसे रेत का एग्जाम्पल देकर समझा रही होती, कह रही थी कि देखो अगर मुट्ठी में जितनी ज़्यादा रेत वो मतलब पकड़ोगे ना टाइटली तो वो गिरेगी गिरेगी, जितना ज़्यादा तुम मुझे कंट्रोल करोगे या मुझे फोर्स करोगे तो मैं तुमसे उतनी ही दूर जाती रहूँगी। तुमने तरबूज के बारे में तो सुना ही होगा, जो मीठा तरबूज होता है ना अगर उसे ज़बरदस्ती फोर्सफुली बड़ा करो तो फिर मे बी वो नेचुरली मतलब मीठा नहीं होता, समझ में आई मेरी बात। लेकिन हम देखते हैं वो पर्सन बता रहा होता क्या रहता है कि आखिर मीठा तरबूज किसे चाहिए, मुझे जैसा पसंद है मैं वैसा ले लूँगा ना। अब वो लड़की कह रही थी कि शिटियारी से बहस करनी बेकार है। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती कि यार कुछ भी हो जाए मेरे को कोई मैटर नहीं करता, मुझे बस इसे जीतना है। अब वो ये बातें सोच रही होती है अपने मन में। तभी हम देखते हैं ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है, क्योंकि पर्दा खुला होता है मतलब खिड़की ओपन हुई होती है और पर्दे में से हवा आ रही होती है। अब वो लड़की देखती है और मतलब जैसे तैसे करके खड़ी होती है, कह रही होती है कि देखो तुम क्या सच में श्योर हो। अब वो चिल्ला के बोल रही होती है, कह रही थी कि आर यू श्योर, तुम सच में श्योर हो ना। अगले ही पल हम देखते हैं भाई उस लड़की ने उसे किस कर लिया होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो उसे यहाँ पर रह जाने की बात कोशिश कर रही होती है। वो कह रही होती है कि देखो मुझे नहीं पता तुम्हें ये मीठा तरबूज पसंद आएगा या फिर नहीं आएगा, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ। वैसे तुम क्या श्योर हो कि तुम्हें मीठा तरबूज ही पसंद है बताओ, देखो एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बताना था कि जो मेरी लाइफ है ना, मैं चाहती हूँ कि मेरी भी लाइफ ना थोड़ी नॉर्मल गर्ल की तरह लाइफ हो, मैं भी डेट करूँ, मैं भी पढ़ूँ। अब वो अपनी टॉपिक पर आती है, कह रही थी कि आई थिंक हमारा जो रिलेशनशिप है ना हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, लाइक उसे आगे बढ़ाना चाहिए, समझ में आई मेरी बात। अब उसे ये बात बता रही होती है और शर्माने लगती है। फिलहाल वो कह रही थी कि देखो तुम मुझे एक थोड़ा सा टाइम दो ठीक है, मैं जल्द ही एक अच्छी सी मीठी सी तरबूज बन जाऊंगी। अब वो ये बात बोल रही होती है उससे, फिलहाल वो कह रही होती है कि देखो तुम एक बार मेरे पे ट्रस्ट तो कर सकते हो ना फर्स्ट, देखो उससे पहले तुम्हें ना मुझे लगता है कि जो मीठा तरबूज होता है ना उसे बिना टेस्ट करे तुम कैसे पता लगा सकते हो कि वो मीठा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम आज रात को मतलब मे बी मेरे को टेस्ट करो, बताओ कि मैं मीठी हूँ या फिर नहीं हूँ। अब वो ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि देखो मैं सच में तुम्हें तुम क्या मुझे एक अनदर चांस नहीं दे सकते क्या, बताओ मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं काफ़ी हार्ड वर्क करूँगी बड़ा होने के लिए, प्लीज़ मान जाओ ना प्लीज़। अब हम देखते हैं वो बिल्ली की तरह क्यूट वाली हरकतें कर रही होती है और उसे रिझा रही होती है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन मान जाता है, कह रहा था कि ठीक है फिर ठीक है, अब क्या ही बोलेगा वो पर्सन भी। अब वो लड़की बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, कह रही थी कि वाह तुम सच में मान गए, कैसे क्या, तो मैं सच में स्कूल जा सकती हूँ बताओ, मैं क्लासेस अटेंड कर सकती हूँ, थैंक यू सो मच। अब हम देखते हैं वो उसे फिर से हक करती है, अब वो उसके गाल पे फिर से किस कर रही होती है, कह रही थी कि ठीक है फिर मैं वापस जा रही हूँ अपना बैग पैक करने, ये मैं कल आऊँगी ठीक है, कल मुझे स्कूल छोड़ आना। अब ये बात बोल के जाने लगती है, तभी हमें दिखाई देता है कि वो जो पर्सन होता है ना सीयान, वो बस उसे जाते हुए देख रहा होता है और बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता, बेचारा चुपचाप बस बैठा होता है और अपने गाल को सोच रहा होता है इसने आखिर इसके गाल पे मतलब किस किया होता है। तभी हम देखते हैं सीन से प्रथा में दिखाई दे रहा होता है, ये लड़की सोच रही होती है, कह रही थी कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये मेरी फर्स्ट बारी में ही मान जाएगा, कैसे आहा, अब मैं स्कूल के अंदर जो हॉस्टल होते हैं ना ये वहीं पे रहने वहने की बात सोच रही होती है। वो उसके दिमाग में यही ख्याल आ रहा होता है कि बस यहाँ से वो जैसे तैसे करके निकल जाए, इस पिंजरे से बाहर निकल जाए। कह रही होती कि यार फाइनली मेरा सपना पूरा हो रहा है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी आसानी से इससे मान जाऊंगी, शिट यार मैंने अपनी पूरी लाइफ बेकार कर दी थी, शिट इससे बस एक बार बोल देती वो तो ऐसे ही मान जाता यार, मान ही गया है। तभी हम देखते हैं वो अपनी सारी बुकें वगैरह रख रही होती है, वो कह रही होती है कि काफ़ी अच्छा लगा, मैंने बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को चेंज किया है, मज़ा आएगा अब ये यहीं पे ख़त्म होगा। तभी हम देखते हैं उसके फ़ोन में ना उसकी बेस्टी का कॉल आ रहा होता है सैन का, फिलहाल वो फ़ोन उठाती है। अब हम देखते हैं सामने से आवाज़ आ रही थी सैन, हाँ हेलो। अब वो बता रही होती है उसे डांट रही होती है, कह रही थी आखिर तुम कहाँ हो वैंग वैंग, तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं पिक किया, आखिर क्या चल रहा है मेरे साथ तुम्हारे साथ बताओ, और तुम मिस्टर गू के साथ क्यों नहीं गई, देखो पता भी है तुम्हें मैंने कितने एफर्ट डाले थे उसे मनाने के लिए सच में। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की मना कर रही होती है, कह रही थी देखो फ़ोन पे बात नहीं करते हैं ठीक है, मैं कल तो उसको स्कूल मतलब कॉलेज मिल रही हूँ ठीक है, वहाँ पे चल के बात करेंगे। अभी लड़की बात बोल रही होती है, कह रही थी कि मैं कॉलेज में आके तुमसे बात करूँगी ठीक है, यहाँ पर बात नहीं करनी। अब वो लड़की हैरान हो जाती है, कह रही थी क्या तुम मतलब तुम सच में कॉलेज आने वाली हो कैसे।
अभी लड़की बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी होती है, कह रही थी ये सच में तुम क्या सीन है तुम्हें, मतलब जाने दिया, परमिशन दे दी जाने की, अब ये अपने मन में सोच रही होती है और गाली दे रही होती है उसे। तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि हाँ तो क्या हुआ, तभी हम देखते हैं वो लड़की बता रही होती है वैन वैन तुम्हें पता है आखिर मैं गु के साथ क्यों नहीं गई, क्योंकि सीने में ना मेरे को बातें करते हुए देख लिया था। अब वो जैसी बात बोलती है उसकी दोस्त कह रही थी क्या आखिर तुम्हें कैसे पता चला सी यान ने तुम्हें देख लिया है, कैसे बताओ तुम्हें क्या आखिर ये सब कैसे पता चला। अब उसे मतलब क्यूरियोसिटी हो रही होती है जानने की। तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि देखो मैं तुम्हें अभी तो बताने वाली नहीं हूँ, मैंने बस ऐसे ही गैस कर लिया था और बस लक बाय चांस ये काम तुक्का भिड़ गया, और चलो मैं तुमसे ना स्कूल में आके बात करूँगी, मतलब कॉलेज में। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि ठीक है फिर ओके। अब वो ये बात बोल के फ़ोन वगैरह रख चुकी होती है। ये लड़की कह रही थी कि इतनी जल्दबाजी नहीं करनी सैन, मज़ा आएगा, अभी तो ऋण बाकी है हमारे बीच का। अब वो ये बातें सोच रही होती है क्योंकि भाई उस लड़की ने इसके साथ बहुत कुछ गलत कर रखा है। तभी हम देखते हैं ये कह रही होती है कि तो अब हम धीरे धीरे करके साफ़ करेंगे सारा जो कचरा है वो सब। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ना वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी, तो मिलते हैं अगले को न्यू वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ तुम लोग बताना तुम लोग क्या ये वीडियो कंटिन्यू करवाने वाले हो या फिर नहीं, ठीक है बताओ कमेंट में। तो मिलते हैं कल, बाय बाय।